नमस्कार। ग्वालियर में एजी ऑफिस पुल के पास बने दो मैरिज गार्डन, संगम वाटिका और रंग महल गार्डन में भीषण आग लग गई। जिस समय आग लगी, गार्डन में मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम चल रहे थे। वहीं स्टाफ मेंबर सहित लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा लोग गार्डन में मौजूद थे। जैसे ही आग लगी तो आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। हालांकि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में लगभग 40 गाड़ी से भी ज़्यादा दमकलों को लगाना पड़ा। मौके पर आईजी, कलेक्टर, एसपी और नगर निगम आयुक्त के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। देखिए, एक संगम मैरिज गार्डन है यहाँ पर, ये एजी पुल के पास में, और लगभग 8:30 बजे हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ आग लग गई है। तो तत्काल हमने अपनी नगर निगम की टीम्स को मोबिलाइज़ किया, और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, करीब 30-40 टैंकर ऑलरेडी यहाँ पर रिफ़िल होकर के आ चुके हैं और बहुत तत्परता से कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने कोई कमी ना रह जाए इसलिए एयरफोर्स स्टेशन से भी हमने फायर ब्रिगेड्स को बुलाया, BSF टेकनपुर से भी फायर ब्रिगेड्स को बुला लिया है, बाकी नगरीय निकायों के भी फायर ब्रिगेड्स ऑन द वे है। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी जल्दी इसको हम कंट्रोल कर लें। नहीं, नथिंग रिपोर्टेड राइट नाउ, एंड हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई खबर आए भी नहीं। पिछले कई दिनों से नगर निगम इसको बहुत एक्टिवली फॉलो कर रही है। ऐसी समस्त जगहें जिनको ज़रूरत होती है फायर NOC लेने की और ऐसे प्रबंधन करने की जिससे कि फायर इंसिडेंट ना हो, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है ऐसी, खास करके ऐसी जगहों में, तो ये सतत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त ने आज भी बता रहे हैं, मैरिज हॉल ऑलरेडी सील किया है, होटल को भी सील किया है, तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की इसमें लापरवाही बरती नहीं, मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है लापरवाही बरतने की। देखिए, बड़ी घटना है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईश्वर की ये विशेष कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मैंने कलेक्टर से बात की है और एयरफोर्स से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 घंटे में आग पे काबू पा लिया जाए। अभी तक नहीं पता लगा है, जो प्राइमरी जानकारी लगी है उसके हिसाब से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी कलेक्टर से भी बात हुई, SP से बात हुई, सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, आप यहीं पे स्थल पे हैं, हम लोग सब स्थल पे मौजूद हैं। पहले से पता है कि दो गार्डन हैं यहाँ, संगम और रंग महल। अब करीब 9:20 पे सूचना मिली कि यहाँ पे आग लग गई है, तो सभी फायर ब्रिगेड और पूरा अमला, हमारे PHE के टैंकर, JCB सब भिजवाया गया। अब अभी की स्थिति में करीब 80% जो हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, 80% करीब काबू पा लिया गया। कारण अभी पता नहीं चला, जो प्राइमरी है वो ये कुछ बोल रहे थे कि AC का शॉर्ट सर्किट से कुछ है, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, बट आगे वो पता करने पे ही पता चलेगा। अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, और अभी तो बस जो आग थी उस पर हम लोग का वो ध्यान, वो सब हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सब टाइमली निकल गए थे, तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं प्रतीत होता। बाकी हम लोग जैसे ही फायर बुझती है तो हम लोग देखिए, हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। आपको बताओ, कल भी हमने एक होटल सील किया, 3 दिन पहले हमने एक मैरिज गार्डन सील किया, वो भी इसलिए क्योंकि फायर के नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे थे। हमने लगातार इनको चेताते रहते हैं कि आप भाई, आप पूरे नॉर्म्स फॉलो करें, ज्वलनशील ऐसी कोई सामग्री ना रखें जिससे कि ऐसी घटना हो पाए। तो आगे भी इस कार्रवाई को और तेज करके ऐसे जितने जगह भी नहीं हो रहा, सब पे कार्रवाई करें। जनसार की न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।